और चलिए बात करते हैं बीकानेर की, जहां पर निगम की साधारण सभा की बैठक में हंगामा हुआ है। प्रवेश पत्र की अनिवार्यता पर यहां पर पार्षद भड़के हैं। निगम में पुलिस तैनात करने पर भी आक्रोश देखने को मिला। मेयर ने कहा है कि बिना प्रवेश पत्र वाले सदन से बाहर जाएं। पार्षदों ने प्रवेश पत्र को अपमान बताया है। बीकानेर निगम की साधारण सभा की बैठक में ये हंगामा देखने को मिला है। और देखिए, जब भी साधारण सभा की बैठकें होती हैं उनकी उम्मीद बहुत होती है, क्योंकि यही वो बैठकें होती हैं जहां से शहर के विकास का रास्ता खुलता है, या यूँ कहे उन बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। लेकिन वो समय समय पर जब इस तरह की बैठकें एक तो होती बहुत लंबे अंतराल के बाद है, और उसके बाद जब होती है तो इस तरह का हंगामा होने पर वाकई वो समय की भी बर्बादी होती है। लेकिन ये खबर इसकी बात की जाए तो पूरे में बताया ये जा रहा है कि पार्षदों की तरफ से यह हंगामा हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो प्रवेश पत्र है वो एक तरह से पार्षदों का, जब भी इस तरह की बैठकें होती है उसमें साफ तौर पर ये देखते हैं कि कोई ना कोई कारण रहता ही है, और जिसकी वजह से इस तरह की बैठकें जो है हंगामों की भेंट चढ़ जाती है। और देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये कह सकते हैं यहाँ पर रखा होना ये चाहिए कायदे से कि जो शहरवासियों की जो बिंदु रखने चाहिए वो रखने चाहिए, लेकिन बेफिजूल का जो एक पूरा मामला पनपा वहाँ पर, उसके बाद ये पूरी बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई, जिसमें तस्वीरें भी साफ तौर पर हम देख सकते हैं नजर आ रही है। तो निगम की साधारण सभा की बैठक में हंगामा देखने को मिला है। प्रवेश पत्र को लेकर ये हंगामा बरपा है, और इतनी सख्ताई को लेकर लगातार वहां पर जो पार्षद हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो बीकानेर से तस्वीर है जहां पर निगम की साधारण सभा की बैठक में हंगामा देखने को मिला है। प्रवेश पत्र को लेकर ये बात इतनी बिगड़ी कि वहां का पूरी ये जो है बैठक है ये हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि मेयर का कहना है कि जो प्रवेश पत्र नहीं लेकर आए हैं वो बाहर जाएं, और वहीं पार्षदों का कहना है कि इतनी सख्ताई करने का कोई मतलब है नहीं, और इसी को लेकर बात इतनी बढ़ी कि आपस में वहां पर नौबत यहां पर हो गया कि ये हंगामे तक पहुंच गई।